हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हजारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर। और आज है उसका लास्ट क्लास, है ना। खासकर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हालांकि वेक्टर चैप्टर तो एक मैथमेटिकल टूल है जो हम लोग फिजिक्स में उसको यूज़ करने के लिए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोगों को अब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं हम लोग हर एक चीज़ से कि वेक्टर्स के जो ऑपरेशंस हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो दो तरह का है, डिवीजन तो होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न क्या है बताया हूँ मैं, याद दिला देता हूँ। डिवीजन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट में तो हम लोग डायरेक्शन डिफाइन कर चुके हैं, क्रॉस में, डॉट में तो डायरेक्शन नहीं होता, दो क्यों होते हैं वो बता चुका हूँ। डिवीजन में आज तक ऐसी बात और ऐसा प्रभाव, ऐसा नेचर में चीज़ें नहीं देखी गई कि डायरेक्शन का डिवीजन का कोई सेंस बने। किसका? डायरेक्शन के डिवीजन का, न्यूमेरिकल वैल्यू के डिवीजन का तो बचपन से पढ़े होंगे, लेकिन डायरेक्शन के डिवीजन का कोई सेंस आज तक देखा नहीं गया नेचर में कि साउथ बाई ईस्ट, नॉर्थ बाई समथिंग कुछ होता है, तो अभी तक नहीं है। अच्छा, जिस दिन हो सकता है कि भाई यूनिवर्स इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, ये हमारा ब्रह्मांड वैसे भी रहस्यमयी है और लिटिल नॉलेज है, ये भंडार है इन चीज़ों का, रहस्यों का, है ना। तो हो सकता है कि हम लोग आज तक उसकी बात न किए हो, न जान पाए हो, न महसूस किए हो, न पता लग पाया हो। आने वाले दिनों में हो सकता है कि डायरेक्शन के डिवीजन की बात हो, क्योंकि एक इवोल्यूशन, एक प्रगति होती है किसी चीज़ की। टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट और साइंस का यहाँ तक जो रीच है वो अचानक नहीं हुआ है, ग्रेजुअल हुआ है। तो आज हैं, हो सकता है कल हम न रहें, आप न रहें, लोग न रहें, दूसरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो कुछ बात करेगी। हो सकता है हम ही लोगों के लाइफ में आ जाए कि नहीं भाई, वेक्टर का डिवीजन का ये सेंस है क्योंकि डायरेक्शन के डिवीजन का ये मतलब है और ये देखा गया है नेचर में और ये नया चीज़ डिफाइंड है, मे बी। ये सब मैं क्वेश्चन आप पे इसलिए छोड़ जाता हूँ और पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ ताकि आप साइंस को और करीब से देख सकें, है ना। रटने और पहले से ही चीज़ें जो एग्जिस्टिंग है उसी पर सोचने का क्या मतलब है, उससे तो हम लोग नाम कमा ही नहीं सकते। हम लोग नाम कमा सकते हैं कोई नई चीज़ करके, नया प्रोस्पेक्टिव, नई राइटिंग, नया आर्ट, या फिर जो आर्ट एग्जिस्टिंग है उसी में कुछ नया करेक्शन, कुछ तो नया होना चाहिए। नयापन से ही तो आपका नाम होगा। पहले से जो पैटर्न चले आ रहे हैं वो तो हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन के तौर पे लेते हैं, और इंफॉर्मेशन और डेटा लेना ज़रूरी है क्योंकि जो पहले एग्जिस्टिंग है पहले वो तो जान लें। पता चला कि इंडिपेंडेंटली हम वही खोज दिए जो पहले से है तो हमारा एफर्ट तो बेकार हो जाएगा। पहले हम जान लेते हैं भाई क्या क्या है, तो पहले से क्या क्या है उसी लिए पढ़ रहे हैं। एनीवे सो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, हम लोगों को देखना है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। समझने की कोशिश करो ना, उनके बीच में थीटा,
यदि कोई हमसे ये कहता है, कोई हमसे ये कहता है कि ए को बी के अलोंग ब्रेक करो, चाहे बी को ए के अलोंग ब्रेक करो, हम लोग ये भी देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ए एंड बी मैग्नीट्यूड। मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ ये देखो, ये जो ए है ना, इसको इधर की तरफ ब्रेक करना है। कंपोनेंट मतलब जो हमारा जो टारगेट है वो तो सुन लो, पहले लिख लेते हैं लॉजिकली, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ठीक है। आपको पता भी है कि किसी वेक्टर को किसी ये अलोंग ब्रेक करने का मतलब होता है प्रोजेक्शन लेना, ठीक है। तो ले लेता हूं प्रोजेक्शन, ये देखिए। और कैसे प्रोजेक्शन लिया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ये देखो ऐसे ऐसे, याद है ए का बी के लॉन्ग, इसका मतलब हमको ये निकालना है, बस इतना इतना लेंथ निकालना है, पूरा बी नहीं बस इतना ही लेंथ। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस है, ये थीटा है। तो बताओ ये जो लेंथ है ये कितना लेंथ है, बताओ जल्दी से कितना है, जल्दी बोलो फटाक से, ए कॉस थीटा। ए को तोड़ोगे तो इधर ए कॉस थीटा, और इधर तोड़ोगे तो ए साइन थीटा। बोलो थीटा एंगल पे, ए को थीटा एंगल पे तोड़ोगे तो ए कॉस थीटा। कैसे सोचेंगे कि ए कॉस थीटा, देखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए मतलब ए का कंपोनेंट, इंग्लिश में उल्टा होता है, ए का कंपोनेंट मतलब ए को ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है, ए का कंपोनेंट तो ए को रिजॉल्व करना है, और ए को रिजॉल्व करना है तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ऐसे ही ना होता भाई, भाई कॉस थीटा साइन थीटा ही तो तोड़ते हो, तो जिसके साथ थीटा वो वाला कॉस तो कॉस थीटा। तो ये इसे पता करो कि जिसको तोड़ना है उसका कॉस थीटा साइन थीटा होता है, और जितने एंगल पे तोड़ना है उतना कॉस थीटा होता है, ये है। अब याद करो कि ए कॉस थीटा कहाँ से आएगा, तो बताओ जब यदि कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट से ही तो आएगा भाई, ये बोलो सही लिखा हूं, देखो तो अच्छा। हाँ इसको मॉड ए मॉड भी लिख सकते हो, वही मॉड ए मॉड भी ही है, ये मैग्नीट्यूड ही है, देखो दोनों एक ही बात है। तो बताओ यहां से जरा देख के बताओ कि ए कॉस थीटा कितना, तो बी को डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हुआ बताओ, ए डॉट बी बाई बी, बोलो। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी की जगह, ऐसे ए डॉट बी बाई मॉड बी, एक ही बात है। अरे यही बी है यार, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। पहले जिसको तोड़ना है उसको समझो, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी, कहीं पे कुछ और सेंस हो, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के अलोंग ब्रेक करना है तो भी भाई किसको ब्रेक करना है पहले उसको पकड़ो, और फिर समझो कि उसी का ए कॉस थीटा साइन थीटा होगा, थीटा एंगल पे कॉस ही होता है हमेशा, बचा हुआ दूसरा साइन होता है, तो ए कॉस थीटा। ए को बी के अलोंग तोड़ना है, देखो ऐसे ए को बी के अलोंग तोड़ना है मतलब ए को थीटा एंगल पे तोड़ना है मतलब ए कॉस थीटा, और यहां से उठा लो ए कॉस थीटा की वैल्यू और आ गया, सिंपल सा, रटना उठना नहीं है, लॉजिक सुनो, लोग रटते हैं, ये है बस इतना ही करना है। तो क्या आप लोगों को डॉट नहीं लेने आता, क्या मैग्नीट्यूड नहीं लेने आता, और हो गया तो जल्दी से कंपोनेंट ऑफ, अच्छा हाँ एक और चीज लिख लें,
तुम एक काम करो, इसको लिख लो तो मैं कुछ और भी बातें करूं ना। अच्छा इसके इसमें बात करें क्या? देखो तो, चलो इसको देखो तो ध्यान से, सभी लोग देख लो। चलो देखो, ये देखो वेक्टर फॉर्म देखो सभी लोग। हालांकि मैं बहुत खुश नहीं रहता इस वेक्टर फॉर्म से, हालांकि मैं वेक्टर फॉर्म से बहुत खुश नहीं रहता। जानते हो क्यों खुश नहीं रहता? ध्यान से सुनना, क्यों नहीं खुश हूं। हम ये कह रहे हैं कि जब ए को बी के अलोंग तोड़ ही रहे हो, कह रहे हो कि ए को बी के अलोंग तोड़ो, तो जब बी के अलोंग कह ही रहे हो तब तो ऑब्वियस है बी के अलोंग इतना है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा जाए? फिर भी मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि टीचर्स पढ़ाते हैं, नई नई किताबों में खूब दे दिए हैं, कुल बड़ा कुल नाटक कर दिए हैं, फालतू में कुल और भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिए हैं। दुनिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में जा रही है तो किताब वाले ऐसा कर दिए हैं कि कहीं पढ़ोगे तो कहोगे सर ने छोड़ दिया, हमको आते ही नहीं है। तो चलो मैं भी लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म, बड़ी सिंपल सा वेक्टर फॉर्म। हम ये कह रहे हैं कि ये किसके अलोंग है? देखो बी के अलोंग है, तो ठीक है भाई बी के अलोंग है, तो लो बी के अलोंग है, तो लो बी के अलोंग है तो लो, ठीक लिखा हूं। देखो जब मैं क्या बोल रहा था, मैं कह रहा बी के अलोंग कहा ही गया है तो बी के अलोंग है, तो फिर उसमें क्या नाटक है? लेकिन फिर भी अब नाटक हो चुका है तो मैं भी कर रहा हूं नाटक। लो ये जो है वो बी के अलोंग है। जब आपको मैग्नीट्यूड मालूम रहता है तो बगल में किसका सहारा लेकर, किसका सहारा लेकर डायरेक्शन बताया जाता है, बताओ। जब मैग्नीट्यूड मालूम रहता है तो किसका सहारा लेकर डायरेक्शन बताया जाता है, बताओ। यूनिट वेक्टर का, तो लो यूनिट वेक्टर। अब हमको बताओ, अब हमको बताओ कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए डॉट बी बाई मॉड बी। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर में, किसी वेक्टर में उसी उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करने पर, किसी वेक्टर में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड करने पर यूनिट वेक्टर बनता है कि नहीं बनता है, ये बता दो। सही है? और यदि ऐसा है तो फाइनल, अब देखो, देखो फाइनल, ए डॉट बी बाई मॉड बी का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर वेक्टर बी। बोलो तो वैसे तो ये यही ठीक था ना, अलोंग बी के नाम पे यही ठीक था, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है बी के अलोंग। यदि डायरेक्शन भी लिखना है बी के अलोंग तो देखो। अब ये अब दिमाग में क्या आता है कि सर हम लोग तो पढ़े हैं नीचे मॉड बी, आप तो बता दिए मॉड बी स्क्वायर, आप तो बता दिए मॉड बी स्क्वायर, तो कौन सा सही है, मॉड बी वाला सही है कि मॉड बी स्क्वायर वाला सही है? तो ये भी तो देख लो कि ये क्या लिखे हो और ये क्या लिखे हो, ये वेक्टर फॉर्म लिखे हो और ये स्केलर फॉर्म है जिसमें डायरेक्शन पहले से लैंग्वेज में बताया गया है। यदि वेक्टर फॉर्म लिखे हो तो अलग भी तो है, यहाँ बी भी तो है। यदि मॉड ले लिए तो एक मॉड बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यही बचेगा, देख लो। हाँ जल्दी से करो तो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, धड़ाधड़ लिखो, चलो धड़ाधड़ अपने से लिखो, प्रैक्टिस करो जल्दी से, एक मिनट लो सभी लोग। अब ए का बी के अलोंग नहीं, बी का ए के अलोंग लिखो, जल्दी से तुम लोग लिखो जल्दी।
चलो करता हूं। हाँ देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, मतलब बी, फोकस करो मेरी बात पे, मेरी बात पे फोकस करो। मैं ये कह रहा हूं कि बी को रिजॉल्व करना है, फोकस, बी को रिजॉल्व करना है मतलब, अच्छा हाँ ऐसे सोचेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी मतलब बी का कंपोनेंट, मतलब बी को रिजॉल्व करना है, बी का कंपोनेंट लेना है। अब बी का कंपोनेंट लेना है मतलब बी कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे ही कुछ होगा, बी और ए के अलोंग, तो देखो ऐसे ही ना, बी को इधर तोड़ूंगा तो बी कॉस थीटा, और इधर तोड़ूंगा तो बी साइन थीटा, बी को इधर तोड़ूंगा तो बी कॉस थीटा, बी को इधर तोड़ूंगा तो बी कॉस थीटा, अब बी को इधर तोड़ूंगा तो बी साइन थीटा, तो बी को ए के अलोंग, तो अच्छा ऐसे सोचेंगे बी को तोड़ना है ए के अलोंग, मतलब बी को तोड़ना है थीटा एंगल पर, तो क्या होता है भैया, बी कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा कहाँ आता है, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में बी कॉस थीटा कितना होगा बताओ, तो ये होगा ए डॉट बी बाई ए, ए भी जानते ही हो, ये भी ठीक है, इतना भी ठीक है, मैं जानबूझ के इस तरह भी लिख रहा हूं, मैं जानबूझ के इस तरह भी लिख रहा हूं, इतना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब बताओ वेक्टर फॉर्म, तो अब तो खटाक से लिख लोगे हमें लगता है, सिमेट्री यूज करके कि नहीं लिख पाओगे बोलो। सही है, दोनों लिख दिया, दोनों फॉर्म। हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, बोलो क्लियर। अब देखो जो मैं पिछले क्लास में बोला था कि किताब वाले और बहुत सारे टीचर सब गलत पढ़ा रहे हैं, गलत लिखे हुए हैं, वो सुनो, चलो चलो वो सुनो। तो क्या किताबों में गलत लिखा हुआ है और वो सुनो ध्यान से, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी इन ए बी प्लेन। ये जो परपेंडिकुलर टू बी है ना, इतना ही लिखे हैं, इन ए बी प्लेन सब नहीं बोले हैं, और इसी को मेरा मानना है कि ये गलत कहा जाता है। क्वेश्चन बनाने वाले गलत बनाए हैं, लिखने वाले गलत लिख रहे हैं, और पढ़ाने वाले गलत पढ़ाते हैं। सुनो कैसे, वो 3D वाला ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या गलती करते हैं, ये गलती करते हैं, देखो मान लो ये दो, ये है ए है वेक्टर ना, अच्छा ये बी है, और ये मान लो वेक्टर ए है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वेक्टर को ये ए है और ये बी है,
तो ए को बी के परपेंडिकुलर ब्रेक करना है, रिजॉल्व करना है। ए को इसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना है, मतलब इधर। तो केवल इधर तो नहीं होगा ना, इधर भी तो होगा, इधर भी तो होगा। देखो ना, किसी वेक्टर पे कितने परपेंडिकुलर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। देखो 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 देखो, किसी किसी वेक्टर पे कितने कितने परपेंडिकुलर होते हैं, इनफाइनाइट परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताओ, केवल इतना ही कहना गलत होगा कि नहीं? क्या इतना ही कहने से ये पता चल रहा है कि यदि हम लोग इसको ए कहें, यदि हम लोग इसको ए कहें और यदि इसको हम लोग बी कहें, तो क्या ये मान लेते हैं थीटा है, तो आप लोगों को लग जा रहा है कि इसी के अलोंग तोड़ना है। ए को बी के अलोंग नहीं, बी के परपेंडिकुलर तोड़ना है। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग परपेंडिकुलर टू बी, तो बी के परपेंडिकुलर तो क्या केवल यही होता है? क्या ये नहीं 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 है? तो बताओ, सब अलग अलग वैल्यू तो गलत लिखा गया कि नहीं, गलत पढ़ाया जाता है कि नहीं? तो क्या करना है? तब मैं बताता हूं आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये ए है, ये बी है, तो इसके अलोंग तोड़ने के लिए तो ए कॉस थीटा होगा और इसको अलोंग तोड़ने के लिए ए साइन थीटा होगा। बोलो, इतना तो ठीक है ना, ए साइन थीटा। अब बहुत होगा तो इधर करेंगे तो माइनस ए साइन थीटा। तो पहला तो ये मैं लिखने जा रहा हूं कि प्लस माइनस, प्लस माइनस ए साइन थीटा, ठीक लिखा हूं? देखो तो पहला तो ये पॉइंट, प्लस ए साइन थीटा दिस ना, इधर ए साइन थीटा और इधर माइनस ए साइन थीटा, ऐसे। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये कहां से आएगा, दिमाग दौड़ाओ, हमको तो यही पाना है। यदि मैं इसको इधर ब्रेक करता तो तब तो ए कॉस थीटा हो जाता, तो हमें ए साइन थीटा पाना था, और ए बी प्लेन में ही पाना था, ये बाहर बाहर में नहीं पाना था। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं बोलता हूं, ये तो मैं सही लिखा हूं, ये सब नहीं लिखते हैं ना वो सब, इसीलिए गलत बोल रहा हूं, ठीक है? दूसरा, अब ये बताओ कि ये कैसे निकले, ये कहीं दौड़ाओ, क्रॉस से, ये किससे होगा? क्रॉस से। तो क्रॉस करता हूं, तो जब क्रॉस से होगा तो भाई क्या किया जाए, क्रॉस। तो देखो तो ए क्रॉस बी, और ये मत सोचना कि इससे ए बी साइन थीटा होता है। कई लोग सोचते हैं ना कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, गलत है। जो लोग सोचते हैं कि ए बी ए क्रॉस बी ए बी, बड़ा पॉइंट है, हो सकता है कि मैं थोड़ा दबाव डाल के पिछले क्लासेस में ना बोला होगा, अब दबाव डाल के बोल देता हूं, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी ए बी साइन थीटा नहीं होता, बगल में डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर भी होता है। मैं कहूंगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तब ए बी साइन थीटा होता है। ध्यान से, यदि मैं कहूं कि वेक्टर ए और वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तब ए बी साइन थीटा ठीक है, लेकिन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ना कहूं तो क्या ए बी साइन थीटा होता है? नहीं, ए बी साइन थीटा बगल में डायरेक्शन के नाम पर यूनिट वेक्टर एन कहना होगा। बोलो,
अब तो ठीक है, अब तो फोकस करो, अब हमें पाना है ये। इसका मतलब ये या तो ऐसे लिखे तो यूनिट वेक्टर n तब सही होगा, या तो ऐसे लिखें तब तो ठीक है, तब ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, तब n मत लगाओ, तब n मत लगाओ। अच्छा यदि ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है यार, a साइन थीटा, सो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a साइन थीटा, देखो a साइन थीटा b, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि a, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्लस माइनस a प्लस माइनस a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड b। लिख लो, जल्दी से नोट कर लो, एक एक चीज क्लियरली समझो, भागने उगने से कुछ नहीं होगा, इधर उधर भाग दौड़ उधम को उछल कूद मचाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक एक चीज समझो कि क्यों मैं मॉड लिया हूं, मॉड नहीं लिखता तो क्या करना पड़ता, तो यहां पे मॉड ही क्यों लिखना पड़ रहा है, मॉड नहीं लिखता तो क्या दिक्कत होती, बगल में एन बैठा रहता, बगल में एन वेक्टर बैठा रहता। अब क्वेश्चन ये उठता है, अच्छा जल्दी से तुम लोग, तो अब यदि मैं कहूं कि अब मैं वो चीज बताने जा रहा हूं, शायद किताबों में ना दिया हो, मैं तो नहीं देखा हूं, लेकिन थोड़ा मैं सोचता हूं, देखता हूं कि तुम लोग मेरी बात समझ पाते हो, थोड़ा कठिन चीज बोलने जा रहा हूं ना, चलिए। अच्छा जिनको कम समझ में आएगा फिर ये मत बोलेगा, क्योंकि ये मैथ्स टाइप की बात लिखने जा रहा हूं, जिनको कम समझ में आएगा इसको छोड़ देना, ये फिजिक्स की बात नहीं है, बस इमेजिनेशन थोड़ा स्ट्रांग करने की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में कहीं इस तरह की बात आने वाली नहीं है, बस मैं ऐसे ही लिखने जा रहा हूं इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग इतना लिख लिए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अब मैं सोच रहा हूं कि इसको वेक्टर फॉर्म लिखूं, वेक्टर फॉर्म लिखूं ना, तो लिखता हूं, चलो देखो, तो वेक्टर फॉर्म, थोड़ा कठिन चीज बोलने जा रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आएगा तो कोई जरूरत नहीं, मत करना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, इन वेक्टर फॉर्म, अब मेरे दिमाग में थोड़ा आ रहा है कि मैं थोड़ा कुछ, अच्छा आप लोग वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, बोलो अपने से लिख सकते हो, अपने से सोच सकते हो, एक मिनट टाइम लो, चलो मैं लिखता हूं। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि पहले तो मैं लिखना चाहता हूं प्लस माइनस a क्रॉस b मॉड बाई मॉड b, ठीक है, और बगल में ये यूनिट वेक्टर लिखना चाहता हूं, ये वाला, तो क्या करूंगा जरा सुनो, तो ये देखो, तो जब हम लोग इसका क्रॉस लेंगे, ए बी का क्रॉस लेंगे, इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो इधर आएगा, बोलो ए और बी का क्रॉस लेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा इधर, ठीक है, और इन दोनों का क्रॉस लेंगे, अब इसका इसका क्रॉस लेंगे, इसका इसका मतलब ए और बी का क्रॉस लेंगे तो ये आएगा ग्रीन वाला, ये अच्छा, अब इसका और इसका क्रॉस लेंगे, इसका और इसका क्रॉस लेंगे तो इधर आएगा, इधर इसका और इसका क्रॉस लेंगे तो इधर आएगा, तो इसी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर लिखें,
आ रहा है समझ में? इसका और इसका क्रॉस लेंगे तब तो परपेंडिकुलर आएगा ना इधर। अब पता नहीं इसके बाद अब तुम लोग कितना सोच पा रहे हो। यदि नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, कहीं नहीं जरूरत है। तो बगल में लिखता हूं, क्या लिखता हूं वो समझो। मेरे दिमाग में है कि ए क्रॉस बी लिया जाए, को बी के साथ क्रॉस किया जाए, ए क्रॉस बी लिया जाए, उसको बी के साथ क्रॉस किया जाए, और क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसी का मॉड डिवाइड किया जाए। बोलो, सही है? क्योंकि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर निकाला हूं और उसी वेक्टर का मॉड डिवाइड किया हूं, तो यूनिट वेक्टर बना है। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट में लिख देता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है वो उसको देख लेते हैं। और मेरे दिमाग में आ रहा है प्लस माइनस ए क्रॉस बी मॉड डिवाइडेड बाय बी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां पे ए क्रॉस बी, क्रॉस बी तो है ही, लेकिन ये देखो ना, ये दोनों परपेंडिकुलर भी थे ही। ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर होता ही है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मॉड और बी का मॉड साइन 90, मॉड ऑफ दिस साइन 90 वन। इसका मतलब लग रहा है ये और ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड बी स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर। अब पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया। अब हमको नहीं मालूम कि आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं, लेकिन यह है कि चीजें खत्म हो गई। बस ये है कि चीजें खत्म हो गई, बस मैं यही बताना चाहता था। इससे ज्यादा समझाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके बावजूद भी यदि किसी को नहीं आया तो इसका मतलब है कि उसे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि फिजिक्स में जरूरत नहीं है और ये मैथ्स में है, तो अब ठीक है मैथ्स में है तो है, तो एक ये पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनीवे, अब एक तो हल्का सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, और एक तो फिजिक्स में बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, ताकि आपको ये पता चले कि कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम लोग को आता है कि नहीं आता है। चलिए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एंड बी अलोंग ए, जल्दी कम ऑन। अब मैं याद करता हूं, रटने वाला नहीं, क्योंकि हमको खुद ही नहीं याद रहता, तो मैं सोचता हूं ना। माना कि हम लोग फार्मूला कुछ नहीं याद आ रहा है, तो मैं सोचता हूं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। मेरे दिमाग में आ रहा है कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, मतलब ए का कंपोनेंट थीटा के अलोंग, मतलब ए कॉस थीटा। फिर मैं ऐसे लिखूंगा एग्जाम में, याद करूंगा कि ए कॉस थीटा कैसे आएगा। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा? दैट इज ए डॉट बी बाई बी, बी इज मैग्नीट्यूड।
मैं डॉट लूंगा, आई में आई 12, आई में आई, जे में जे 12, के में के तो है ही नहीं, डिवाइडेड बाई मॉड बी, मॉड बी मतलब अंडरवुड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 24/13। बोलो, हमें लगता है कि सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आंसर है 24/13। अब वेक्टर फॉर्म करना है तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म। हाँ, ये देखो वेक्टर फॉर्म। तो क्या वेक्टर फॉर्म भाई, मैं ये कह रहा हूं 24/13 तो है ही, नया क्या है, 24/13 तो है ही, बगल में किसके अलोंग है, बी के अलोंग ना, यही ना, इसका मतलब 24/13। और ये क्या होता है, वेक्टर बी 3i प्लस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये समझ में आ रहा है, हम करें 24/13 निकाले हो, b के अलोंग है, तो b के अलोंग है मतलब डायरेक्शन b है, डायरेक्शन के नाम पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये तो है ही, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देने से उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाता है, किसी भी वेक्टर में उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देने से उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाता है। तो क्या बाकी सब कर लोगे, मैं मान के चलूं, बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल क्लियर। चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों से ये हो गया, आप लोग सीख गए, एंगल निकालना जानते ही हैं, क्रॉस निकालना जान ही गए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात ये देखो, अब मैं तुम्हें वो फिजिक्स वाली बात बता देता हूं ना। अच्छा, फिजिक्स वाली बात से पहले एक क्वेश्चन और करो ना, अच्छा लगेगा, एक और क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें मजा भी आएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, तो इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जल्दी से खटाक से करो, चटपट करो, चलिए देखते हैं। देखो तुम लोगों का करना और मेरे बताने में बहुत अंतर है, तुम लोग करते होगे तो फार्मूला अपना उसी में अपना लगा देते होगे, आ जाता होगा, मैं बताऊंगा तो उसकी बारीकियां भी बताऊंगा। कहा गया है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि उनके क्रॉस प्रोडक्ट, पहली बात, यदि किसी किताब में लिखा है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है, गलत लिखा गया है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस और डॉट बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक वेक्टर है और एक स्केलर है, एक तो ये बात। दूसरा, भले ही मैं भी लिख दिया हूं ऐसे ही, पर हमें भी लिखवाना चाहिए था, जानबूझ के नहीं लिखवाया हूं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के लिए, हमें लिखना चाहिए था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स बोलना चाहिए था, जो कि मैं बोला नहीं हूं, तो जानबूझ के नहीं बोला हूं।
मैं जानबूझ के नहीं बोला हूँ, क्योंकि किताबों में और एग्जाम में नहीं बोलते हैं ना, इसीलिए। नहीं तो मैं तो बोलता ही, हमें तो याद है ही, तभी तो मैं बता भी रहा हूँ। तो एक तो ये है कि नॉन जीरो बोलना चाहिए। यदि जीरो हो जाएगा, कोई एक जीरो वेक्टर हो जाएगा, तो 45 डिग्री नहीं, 15 डिग्री, 2 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री पे दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तो ये बात है, क्योंकि दोनों जीरो जीरो हो जाएंगे, हैं? एक बात। दूसरा, चलिए नॉन जीरो मान के करते हैं। दूसरी बात, आपको पता है कि ये क्या होता है, ये ए बी, ए बी कॉस थीटा होता है, ये आपको पता है ए बी साइन थीटा होता है। आप सॉल्व करेंगे, टैन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, ऐसे बोलो। अब वो 180 डिग्री से ज्यादा वाला थर्ड क्वाड्रेंट में भी चले जाना, याद है ना कि थर्ड में भी होता है, थर्ड में भी टैन थीटा प्लस होता है, याद है? तो इस तरह का पर ये कॉस साइन वाला गड़बड़ाने लगेगा ना, हम लोग टैन थीटा ले लिए हैं, तो ये भी है क्योंकि मॉड है ना यहाँ पे, तो मॉड ले लिए हैं। तो चलो इतना ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं सोचते हैं, तो मैं कई चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, मान लो ये कह देते हैं कि ऐसा है, कई बार गलतियाँ होती हैं, क्या क्या गलतियाँ होती हैं वो भी गिनवा दूँ। कहते हैं कि किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स है। किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स है। तो जो कहता है पहले अच्छे से उसको लिखो, नहीं तो इधर उधर गड़बड़ा जाता है। कई बार लोग ऐसे लिखा, कहता है ऐसे लिखो, लिख देते हैं यहाँ पे √3। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो गलतियां बहुत सारी होती हैं, है ना? हाँ, और क्या गलतियां होती हैं, और क्या कैसी बातें होती हैं वो भी सुन लो, कुछ बातें और नई नई सुन लो। वो कहते हैं कि ऐसा है कि दो यूनिट वेक्टर है। सोचो कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं। कहते हैं दो यूनिट वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बताइए उन दोनों वेक्टर के सम का क्या मैग्नीट्यूड है। तो मेरे दिमाग में है कि सम का मैग्नीट्यूड तो यही होता है। तो सुनो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 है, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक लिखा हूं? देखो तो वो कह रहे हैं कि दो यूनिट वेक्टर का सम बताइए। तो दो यूनिट वेक्टर अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये थीटा नहीं मालूम, यही थीटा कहां से आएगा? वो कहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये 45 डिग्री यहां रखोगे ना, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे कुछ कंडीशन दे के कुछ और पूछा जाना, कुछ दे के कुछ और पूछा जाना। तो घबराना नहीं है, जो जो कहे हैं इन्फॉर्मेशन यूज करो ना भाई। इसको करोगे तो थीटा आएगा, थीटा उठा के ले जाके यहाँ पे रख दोगे, और क्या करोगे, यही ना करोगे? तो मैं केवल ये नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आज ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भाई ऐसा है कि देखो कंपोने ऐसे, मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अंत में मैं फिजिक्स टाइप की एक ठो बात कर लेता हूँ और उसके बाद आज का क्लास ओवर करते हैं। मेरी बात सुनना ना,
फिजिक्स सुनो, और फिजिक्स में वो चीज़ सुनो जो तुम किसी टीचर को देना नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से शायद हो सकता है वो ध्यान दे तो आए, नहीं तो बहुत कठिन चीज़ में बात करने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो मेरी बात। ये देखो, वेलोसिटी ये है, ध्यान से मेरी बात सुनना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। वेलोसिटी है 2i + 3j और एक्सेलरेशन है 3i + 4j। बल्कि उल्टा कर लेते हैं, 3i + 4j और 2i + 3j। पहले तो ये जानो, बढ़िया चीज सुनो, अंतिम बात कर रहा हूं ना। पहले तो ये जानो, फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी किधर भी हो सकती है और एक्सेलरेशन किधर भी, ठीक है? मैं बल्कि कहिए तो इसका नाम दे देता हूं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। ध्यान से सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि वेलोसिटी में क्वेश्चन में दिया हूं ना, ये तो मैं टॉपिक टाइप का लिख दिया, वेलोसिटी दिया हूं और एक्सेलरेशन दिया हूं। फिजिक्स का क्वेश्चन चल रहा है अब, खत्म, वेक्टर वेक्टर खत्म, फिजिक्स। मैं कहूं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड बताओ, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि होता क्या है, ठीक है? तो क्या आप लोग बता पाएंगे? कोई है ऐसा जो बता पाएगा रेट ऑफ चेंज इन स्पीड? बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, ये आसान नहीं रहा। चलिए, आप लोग सोच पाएंगे, मन में है थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं हल्का फुल्का? चलिए मैं बताता हूं। अब आप लोगों को लग गया होगा कि वेक्टर्स पढ़ना कितना जरूरी था। अब सुनो ध्यान से, मैं फोटो बना दूंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान से सुनना ना, नहीं तो आपके बगल से चीजें निकल जाएंगी। ये रहा पाथ, पार्टिकल का पाथ, और ये रहा पार्टिकल। जो पाथ होता है ना, उसी के अलोंग वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन दूसरी तरफ है, क्योंकि वेलोसिटी अलग है, एक्सेलरेशन अलग है। ध्यान से सुनना, वैसे तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब कहाँ से आया है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, ध्यान सुन लो। हाँ देखो, तो ध्यान से मेरी बात सुनना ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। ए ए का इधर, ए का वो कंपोनेंट, आज जो पढ़े उसी का यूज है, देख लो, ए का वो कंपोनेंट जो वी की तरफ होता है, स्पीड को बदलता है, मतलब घटाता या बढ़ाता है। ए का वो कंपोनेंट जो वी की तरफ होता है, वही स्पीड को बदलता है। ए का वो कंपोनेंट जो वी के परपेंडिकुलर होता है, ए का वो कंपोनेंट जो वी के परपेंडिकुलर होता है, वो मोड़ता है। बस आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब साफ है, पाना क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी, मतलब ए को ब्रेक करना है, मतलब हम लोगों को ए को रिजॉल्व करना है वी के अलोंग, मतलब ए कॉस थीटा पाना है, मतलब ए डॉट वी बाई मॉड वी पाना है। क्या ठीक लिखा हूं? देखो तो बताओ, स्पीड को कौन चेंज करता है, एक्सीलरेशन ना, स्पीड को कौन चेंज करता है, एक्सीलरेशन ना, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ना, एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वी की तरफ होता है।
एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वी की तरफ होता है वो स्पीड को बदलता है, और जो वी के परपेंडिकुलर होता है वो बेंड करता है, बेंड करता है, मोड़ता है, घुमाता है, टर्न करता है। क्या क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, कई लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, सर ये क्या पढ़ाने लगे? जानते हो ये अभी पढ़ना ही नहीं था, ये हम लोगों को बहुत बाद में पढ़ना है, सीखते हुए, बहुत कुछ सीखते हुए, बहुत तीन चार चैप्टर बाद पढ़ना है। लेकिन दिक्कत किस बात की है? तुम लोगों को एहसास दिलाना चाह रहा था कि जो पढ़े हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, जो आज पढ़े हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर प्लानिंग के नाम पर और फाइंडिंग के नाम पर, ठीक है? तो ये बताओ, क्या डॉट लेने आता है तुम लोगों को? डॉट डॉट सिक्स प्लस 12 डिवाइडेड बाई मॉड वी 5, आंसर है ये है 15 by m/s² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन टाइप का यूनिट, नॉट एक्सेलरेशन एग्जैक्ट, कंपोनेंट 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों वेक्टर पढ़ा जा रहा था। और तुम लोग जो तुम लोग हमको ऐसे मत मानना कि मैं क्या बोलता रहता हूँ टीचर को भी नहीं आता। जानते हो क्यों बोलता हूँ? क्योंकि रियली में टीचर्स बहुत कम मेहनत कर रहे हैं इंडिया में। टीचर्स वो टीचर बन रहे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर बन रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि सबसे पहले लोगों को टीचर होना चाहिए, और जब वो टीचर न बन पाए तो दूसरा कुछ होना चाहिए। उल्टा हो रहा है इंडिया में। फॉरेन में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो सबसे तेज तर्रार लोग हैं दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में, वो प्रोफेसर, लेक्चरर, वाइस चांसलर, फलाना ढेमकाना होते हैं, वो प्रेसिडेंट के बराबर माने जाते हैं, मतलब उनकी इतनी इज्जत होती है। और ये सब यहाँ पे उल्टा है, कुछ और बनना चाह रहे हैं और जब कुछ नहीं बन पाते हैं तो टीचर बन रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं टीचर ही हूँ और टीचर का डिसरिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं देखा हूँ कि जितने लोग मेरे से मिल रहे हैं वो कहते हैं कि सर मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि साथ में पढ़ाता रहूँ तो साथ में कुछ ये भी कर लूँ, कुछ कमा भी लूँ। और मैं देख रहा हूँ कि वो PCS IAS नहीं कर पाता है तो फिर इसी को कंटिन्यू कर रहा है, मतलब वो कुछ कमा उमा के करना चाह रहा था, अपना घर परिवार चलाना चाह रहा था, शादी वादी करना चाह रहा था, और जब उसका UPSC IAS और कुछ नहीं हुआ तो अब वो टीचर बन गया है। कितनी दुख की बात है ये। चलिए, ये इसका रीज़न भी है कि देख रहे होंगे कि हम लोगों के यहाँ स्कूल की क्या स्थिति है और चीज़ों की, है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूछ के देखिएगा एक बार तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि मैं तो अपना आइडिया, अच्छा मैं आइडिया लगा के बोल रहा हूँ, मैं गेस करके नहीं बोल रहा हूँ। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं और अगले क्लास में पढ़ना शुरू कुछ और करेंगे। हमारा वेक्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।